नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ, वहीं पे सभी मंत्री जो है मंत्री पद का शपथ लिए हैं। मंत्री पद का शपथ लेके जब बाहर निकले सुधाकर सिंह, तो उन्होंने कहा है कि हमें जो भी पद मिला है उस पर पूरी कर्मठता से काम करेंगे। वहीं पे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से उन्होंने समाज में अराजकता फैलाने का काम किया और सामुदायिक दंगा भड़काने का काम किया है, उनकी मंशा को अब हम लोग पूरी नहीं होने देंगे। आइए, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। बनी है जन अपेक्षाओं के जो दबाव में बिहार के लोगों की इच्छा थी कि सरकार सामाजिक न्याय की बने, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पे चलने वाले लोग जो हालात हैं इस देश के भीतर, लगातार जो अराजक समाज बनाने के लिए जो कृत संकल्प लोग थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज अवसर है कि हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सुधाकर जी, पहली बार आपको क्या उद्देश्य होगा, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारे पार्टी का जो वचन पत्र है, घोषणा पत्र है, वही हमारी प्राथमिकता है और वो प्राथमिकता सबको जाहिर है और उस पर हम लोग काम आगे करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि आप लोगों की सरकार आई है, सत्ता में आप लोग आए हैं, पुनः एक बार फिर से जंगल राज स्थापित होगा। बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं और कह रहे हैं डर का माहौल अभी से ही है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जंगल राज कायम किया है। मॉब लिंचिंग के नाम पे बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है इस देश में। लोगों के घरों पर यूपीए के तहत, कोटा कानून के तहत कार्रवाई किए जा रहे हैं। एक इस पूरे जो भय का जो माहौल बनाया है इन लोगों ने, वो लोग क्या बात करेंगे। खुद ही जंगल राज के सरकार बनी और आनंद मोहन बाहर आ गए, इस पे वो जोरदार हमला। आनंद मोहन जी अपनी सजा पूरी कर करके अभी विचाराधीन है। सरकार उन पर निर्णय लेगी कि किस तरह से विचाराधीन जो सरकार के पास है, वो कैसे उनको बाहर का रास्ता निकाला जाए कि कैसे वो आएंगे। बाकी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, सभी लोग जानते हैं। आप भी युवा हैं, मंत्री बन चुके हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे? युवाओं के लिए सबसे बड़ा हम जो लक्ष्य तय किए हैं कि 10 लाख सरकारी प्लस 10 लाख रोजगार, और ये इसके अलावा हम व्यापक पैमाने पर इस राज्य के भीतर जो संभावनाएँ हैं, संभावना है, हम अनस्किल्ड लोग देश भर में, दुनिया भर में बिहार के लोग जाते हैं, सभी को पता है, लाखों लोग, उनको हम स्किल्ड करेंगे, हम उनको प्रशिक्षित करेंगे ट्रेड में, विभिन्न ट्रेड में, क्योंकि वह हमारा जो युवा, जो बिहार के जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो जॉब मार्केट, जो दुनिया का जॉब मार्केट, उसके अनुरूप उनको हम प्रशिक्षित करेंगे कि हमको काम की गुणवत्ता बढ़े, उनको जो पैसे की आमदनी है, कमाई है, उनकी बढ़े, इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ आए हैं और बिहार का विकास का रफ्तार अब गति पकड़ेगा, स्वाभाविक, ये नेचुरल अलायंस है। एक विचार के लोग हैं, पहले की सरकार बेमेल सरकार थी, एक विपरीत, दो विपरीत ध्रुव के लोग एक साथ थे, हम एक विचार के दो दल हैं, इसीलिए सरकार पहले से बेहतर चलेगी, इसको आप विश्वास करिए। सर, पूर्व उद्योग मंत्री पूर्व उद्योग मंत्री के कार्यकाल की हम समीक्षा करने नहीं आए हैं, हम पिछले लोगों ने क्या किया उसकी समीक्षा नहीं करने आए, हम आगे क्या करेंगे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपने साफ तौर पे सुना है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो लोग सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम किया है, वहीं पे जब उनसे सवाल किया गया कि जंगल राज, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी वाले पूरे देश में जंगल राज ला के खड़ा कर दिए हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं, तो ये उनकी मंशा को जो है पूरी तरह से हम लोग खत्म करके रहेंगे और समाज में जिस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया है, उनकी मंशा को पूरी होने नहीं देंगे। तो ऐसे ही खबर में बने रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।